बहुत ही उदास हूँ मैं, और जब पापा आए तो बहुत ही बहुत बहुत खुशी हुई। पूरा साल हमें संभालते हैं, खुशियाँ देते हैं, लेकिन मैं डेढ़ दिन से मैं उन्हें संभाल रही हूँ। मैं क्या संभालूँगी, वो खुद ही संभालते हैं। लेकिन अभी पापा को लेके जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए। आँखें नम हो रही है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये प्रथा है कि जब पापा आते हैं तो उनका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। तो बस अभी इतनी सुंदर मूर्ति है मेरी गणपति बाप्पा की, तो दिल ही नहीं कर रहा मेरे विसर्जन करने के लिए। और बाजे गाजे के साथ हम लोग लाए थे गणपति बाप्पा को, और अभी बाजे गाजे के साथ हम विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। बाप्पा ने को जो भी पसंद है वो हमने खाना पीना, जैसे मोदक पापा को पसंद है, लड्डू पसंद है, भोजन पसंद है, तो जो जो भी उनको पसंद है वो सारी चीज़ें हमने उनको भोग चढ़ाया है। और स्पेशली उनको तो सबसे ज़्यादा श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए। तो हम सब ने, हमारे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, फंडूस ग्रुप, हमारे ग्रुप का नाम है फंडूस ग्रुप, तो हम सब मिलके हम लोगों ने पापा का सेवा की है, नाचे हैं, गाए हैं और हवन किया है। और गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति जी, बिल्कुल डेढ़ दिन के गणपति, क्योंकि बहुत गणपति जी को संभालना बहुत मुश्किल की बात है। और मेरा शूटिंग भी है और मैं आउटडोर जा रही हूँ, मेरा कंटिन्यू शूटिंग चल रहा है। और फिर मुझे विधानसभा असेंबली है, तो आरपीआई की पार्टी की तरफ से अभी साहब आए थे, अठावले साहब घर पे आए थे, और आरपी सिंह जी आए थे बीजेपी से, और अठावले साहब भी आए थे, सब लोग आए थे दर्शन करने के लिए बप्पा के। और तो मुझे हर जगह जाना है, तो इसलिए मैं डेढ़ दिन के लिए गणपति बप्पा लाई। गणपति बप्पा।